हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सतीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब डुमडू का 14th मंथ माइलस्टोन है। सो 14th मंथ का कंप्लीट हो चुका है डुमडू। आप देख सकते हो उसके पास एक टॉय है जिसमें बॉल रखना है और जोर से दबाना है और बॉल बाहर आ जाएगा। इस तरह का एक गेम है जिससे वो खेलता रहता है। सो डुमडू का खाना हो गया है, पेट भर चुका है। फिर उसके बाद डुमडू अभी नींद भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी उसका खेलने का टाइम है। तो इस समय अगर मैं उसको कोई भी टॉयस नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो वो टीवी देखेगा। अगर जितना ज़्यादा टीवी देखेगा उतना उसका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, मोबाइल देखेगा तो स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। तो बच्चों को हम बिजी रहने के लिए, बच्चों को बिजी रहना रखवाने के लिए हम टीवी दिखाते हैं। वो काम मत करो, बच्चों को खेलने के लिए बोलो, वरना उनमें ऑटिज्म बोलकर एक डिजीज आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, अपने उम्र के जो माइलस्टोन है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो अभी डुमडू देखो फ्रिज के नीचे बॉल चला गया, तो एटलीस्ट वो सोच रहा है कि भाई मेरा बॉल चला गया, मैं क्या करूँ, मैं उसके साथ खेलूँ या ना खेलूँ, या उसको कैसे बाहर निकालूँ, या जो बॉल है उसी के साथ खेलूँ। तो इस तरह के टेक्निक्स और दिमागी डेवलपमेंट, ये जो मोटर स्किल है, अभी देखो सॉक्स के अंदर भी बॉल्स है, तो उसके अंदर बॉल कैसे डालूं, उस बॉल को मैं बाहर कैसे निकालूं, तो इससे उनका हाथों का स्ट्रेंथ बढ़ता है, उनका दिमाग काम करना जल्दी हो जाता है। जैसे उस सॉक्स को एक साइड क्लोज है, दूसरे साइड ओपन है, तो बाहर निकालना है तो सॉक्स को रिवर्स करो, अगर अंदर डालना है तो अंदर से डालो, और खेलने का पसंद नहीं है, दूसरा गेम पर चले जाना है तो दूसरे गेम पर चले जाओ। तो इस तरह बच्चों का ना दिमाग को ना बिजी रखो, जिससे देखो उनकी मम्मी खाना बना रहा है, मैं ड्यूटी से अभी आया हूँ, लेकिन डुमडू अपने खेल में, अपने काम में मस्त है और देख रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, इतना अनाप शनाप मुझे मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। हाँ जी इस उम्र में और क्या क्या खेल सकते हैं। जैसे ये एक टॉय है, जैसे बचपन में सिंपल सा था, अभी ये डिफ़िकल्टी वाला है। डुमडू को अभी ये पता है कि कैसे मैं इसे डालूँगा, तो उसका आँखों का ट्रैकिंग होता है और क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ में आ जाता है। ये सिंपल बॉल भी थ्रो करता है। स्टार शेप का तो अभी तक नहीं आया हुआ है कि स्टार में कैसे डालूं, वो बीच में रुक जा रहा है, मैं उसे सही कैसे करूं, वो अभी तक वो सही नहीं पा रहा है। तो बाकी सब कुछ सीखा हुआ है। ये टेनिस बॉल से भी खेलता रहता है, कैच खेलता है, कैच देता है। और नहाने के लिए जैसे बॉल का साइज़ भी इतना बड़ा है, वो मुँह में भी डाल दे तो अंदर नहीं जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे बहुत सारे चीज़ें मुंह के अंदर रख देते हैं। फिर डुमडू के ये हमने एक नया कंपनी है जिसका ये बॉडी लोशन है, जिससे नहाने के बाद ये रोज़ फ्लेवर आता है। ये लोशन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इसमें सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये लोशन। फिर बेबी लोशन के बाद एक तेल भी आता है, साबुन भी आता है। साबुन का तो मैं इस कंपनी का 100% बोलूँगा और प्रेफर करूँगा, काफ़ी अच्छा सोप है, स्किन एलर्जी भी नहीं हो रहा है। कितने भी बड़े बड़े कंपनीज हमारे सोसाइटी में मिलते हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों को एलर्जी हो जाता है लेकिन ये सोप से एलर्जी नहीं आ रहा है। मैं लोशन और सोप को तो रिकमेंड करूँगा। मैं बच्चों को पाउडर अभी तक नहीं लगाते हैं, अगर फ्यूचर में पाउडर भी यूज़ करें तो उसके बारे में भी बताऊंगा ये कैसा है। तो तेल मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा लेकिन उसका इंग्रेडिएंट्स अच्छा है। लोशन और सोप से तो मैं 100% एग्री करता हूँ, काफ़ी अच्छा चीज़ है। फिर बच्चों का ये पजलिंग टॉय भी है, जैसे इसमें ना जैसे टॉर्टाइस है कुछ भी है, उसका सारा निकाल देते हैं, फिर डुमडू को बोलते हैं फिर रख दो डुमडू, और इसका साइज भी इतना बड़ा है कि डुमडू मुंह में डाल दे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये बत्तख है तो ये शेप दिखाते रहता हूँ और बोलता रहता हूँ कि हाँ डुमडू ये करो, इसका शेप करो, तो ये डुमडू ये रखता है, फिर इसका शेप बनाता है। तो ये इस उम्र में थोड़ा डिफिकल्ट पजल है लेकिन ये भी कर सकता है। अगर आप दोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो नॉट ओनली ये टॉय, कितने भी वेराइटीज के टॉयस है
वो सब कुछ दो जिससे वो बिजी रहे, लेकिन टॉयज में कोई भी नॉइसी टॉयज मत दो। नॉइसी टॉयज दे रहे हो तो इरिटेबल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा बच्चा बहुत ही शरारत है, घर आते ही बच्चों का ये जो शोर होता है मुझे डिस्टर्ब करवाता है। तो इसलिए होता है आपको उन बच्चों से एंजॉय इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने सही टॉय नहीं दिया। जैसे कि बहुत सारे ये वॉकर देते हैं, फिर उसके ऊपर बच्चे चलते हैं और पैर नहीं आता है तो उसका पैर ऐसे घोड़े की तरह पैरों की तरह ही चलता रहता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उस तरह का ट्रेनिंग दे रहे हो बचपन में। जैसे डुमडू इतने छोटे उम्र में ही ना खुद नहाता है, अभी उसका 14 मंथ कंप्लीट हुआ है, खुद नहाता है बाथरूम में, वो बकेट से अपने आप ट्राई करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे हम नहना सकते हैं उसको उतना अच्छे से कर पाएगा, लेकिन ही इज़ डूइंग बेटर, इतने कम उम्र में कर रहा है। और ये गार्डनिंग भी करता है, पौधे को अब किस पौधे को खाद डालना है कितना डालना है वो परसेंटेज ना चले, लेकिन खाद डालना इसको आता है। अगर एक पौधे में एक टब में ज़्यादा खाद हो गया तो दूसरे टब में जाकर उस पॉट को खाद डालता है, तो वो अमेजिंग है। जैसे डालना तो ठीक है लेकिन दूसरे में, हाँ जी भाई इसमें ज़्यादा हो गया है अभी मुझे नेक्स्ट में डालना है, तो वो सीखता है। साथ ही साथ इस तरह का प्लग बोर्ड आता है, ये थोड़ा सिंपल प्लग बोर्ड है, इसमें ज़्यादा नंबर भी आता है कॉम्प्लिकेटेड नंबर भी आता है, ये तो पिछले महीने भी करता था। इससे क्या होता था कि उनका ये जो निकालने के लिए मेहनत करते हैं ना उससे उनका हाथ स्ट्रांग होता है, उनका दिमाग काम करता है। यार ये जो इसमें होल है उसमें मैं कौन सा डालूं, कैसे निकालूं, और निकालने के लिए उस हाथों से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ज़रूरत होता है। तो बहुत सारे बच्चों का ये हाथ वीकनेस होता है, तो वो हाथ स्ट्रेंथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी आपने इस तरह का ट्रेनिंग नहीं दिया। तो आजकल मेरे जैसे बहुत ही छोटे शहर में बच्चों के खेलने वाले, बच्चों के बीमारियों के हॉस्पिटल खुल चुके हैं। जैसे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल तो ठीक है लेकिन पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर वो खुल चुके हैं। मतलब बच्चे आजकल बहुत ही, जैसे हम 90s के बच्चे हैं तो हमें बिजली चला जाए तो बाहर जाना है बच्चों के साथ खेलना है ये हमें पता है, लेकिन आजकल के बच्चों को अगर बिजली चला जाए तो क्या करना है उनको नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए उन सारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली थे, बहुत सारे बच्चे मिलजुल कर खेलते थे, लेकिन अब कल सिंगल बच्चे हैं, घर में एक बच्चा या दो बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, वो टाइम नहीं दे पाते। तो इतना सारा प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन दे सकते हो छोटे छोटे टॉयज, और आप अमेज हो गए कि मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को एक बार सिखाया उसको। फिर जब भी वो बोरिंग लगता है ना, ये एक घर में एक कोने में रहता है, वो कोने में जाता है और उससे खेलता है। जैसे ये बॉल कहीं खो गया था, ये खुद ही गया, खुद ही लेकर आ रहा है और डाल रहा है। अभी उसको कलर नहीं पता कौन से कलर किस में डालना है, लेकिन अभी वो डालता है, फिर हाथ से दबाता है, फिर वो बॉल बाहर आ जाता है, फिर उसके डालता है। तो बच्चा सीख रहा है। और वहाँ पर पंछी है, छोटे फिंचेस है, तो छोटे फिंचेस में भी क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ना डुमडू को, मैं ऐसे ही काम कर रहा था फिंचेस के लिए, खाना डाल रहा था, पानी डाल रहा था, फिर वहाँ का झूला है उनका, वो झूला ठीक कर रहा था, फिर वो झूला गिर गया था। तो डुमडू ने ना दो बार देखा ये गिर जाता है तो ये केस कैसे ओपन करते हैं, फिर ये कैसे वो झूला सही से रखते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हो, वो व्हाइट कलर का ऊपर देख रहे हो, ये झूला है। फिर उसने वो सीख लिया है। फिर मेरे किसी दोस्त ने कहा बच्चे के सामने मत करना, वो सीख रहा है। मैंने कहा ये कहाँ से सीखेगा, ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन सच में सीख गए यार। वो आजकल इतना शैतान हो गया ना, जाता है पंछियों में हाथ रखता है, उनको खाना देता है, उनको पानी के साथ छेड़ता है, फिर गुस्सा करो तो नहीं जाता है, बैठकर सवेरे उठकर उनके पास बैठकर बातें करता रहता है, उनसे देखता रहता है ये क्या कर रहा है। तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट। साथ ही साथ रिसेंटली हमने डुमडू को क्या किया है कि हेरिडिटी टेस्ट किया है कि ये डुमडू का जीन्स कहाँ से है, ये इसका खाना कौन सा ज़्यादा सूट करेगा। तो वो टेस्ट में हमें पता चला है कि ये थोड़ा सा आयरलैंड वाला बच्चा है, थोड़ा सा इंडिया का है, और इंडिया में भी जो बंगाल प्रोविनेंस है जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वहाँ का है, और थोड़ा सा साउथ इंडिया का है। देखो बाहर के लोग हमें क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज देखकर कि हम साउथ इंडियन है, लेकिन इसका जीन्स टेस्ट मैंने किया तो मुझे पता चला कि ये कंप्लीट साउथ इंडियन नहीं है, थोड़ा उड़ीसा का है। जैसे कि
हम कलिंगा से हैं, तो ऑब्वियसली जो कलिंगा युद्ध हुआ ये सारा उड़ीसा में ही हुआ, तो हमें पता है कि हम उड़ीसा के हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जनरली जब भी हम तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो साउथ इंडियन है, लेकिन इसका जेनेटिक टेस्ट बोल क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ईस्ट इंडियन है, थोड़ा आयरलैंड वाला है और थोड़ा सा साउथ इंडियन है। देखा तो कितना पता चला जेनेटिक टेस्ट से। लेकिन वो जेनेटिक वाले काफी देर लगा दिया है कुछ कारणों के वजह से, नॉर्मली 15-20 दिन इनफ होते हैं, लेकिन उन्होंने जब इसका 12वीं बर्थडे आ रहा था ना तब मैंने सोचा करवाऊंगा, लेकिन काफी लेट हो गया है। देखो अभी 14 महीना कंप्लीट हुआ तब इसका रिजल्ट आया, और यहाँ का लोकल जहाँ पर हमने सैंपल दिया था तो उन्होंने सही सैंपल भी नहीं कलेक्ट कर पाए, फिर होम डिलीवरी आया सैंपल किट, फिर हमने सैंपल भेजा, फिर इस तरह लेट हो गया था। तो ओवरऑल जेनेटिक टेस्ट से पता चला इसको थोड़ा मैं बंगाली खाना भी सकता हूँ, थोड़ा उड़ीसा वाला, थोड़ा साउथ इंडियन खाना भी देख सकता हूँ, तो ये ईस्ट कॉरिडोर है, मछली खिला सकता हूँ, फिर उसके बाद ज़्यादा राइस खिला सकता हूँ, रोटी मुझे डुमडू को कम खिलाना है, अगर इसको ज़्यादा खिलाएंगे तो चांसेस है इसको दिक्कत हो, और दूध भी जो गाय का दूध है बफोरे का दूध है ये भी इसको एलर्जी हो सकता है, तो इसीलिए मैं उसको वो भी थोड़ा कम करवाऊंगा। ये जो देख रहे हो ये शरारत क्या कर रहा है, उसको ऐसे ही नीचे गिरा देगा। तो पहली बार उसने ऐसे नीचे गिराया था तो मैंने उसे खोल कर ना, उस तरह खोल कर चेन को खोल कर ना फिर अंदर मैंने डाला था, फिर वो सीख गया। और अब उसने जानबूझकर दो बार किया था कि ये कैसे खोल रहे हैं क्या कर रहे हैं बोलकर, अब ये अपने आप ही अपना दिमाग लगाकर उसे ऊपर कर वो खोलने के लिए भी ट्राई कर लेता है, और दूसरी बात है चिड़ियों पर हाथ भी लगाता है। देखो कैसे दिमाग लगा रहा है, एक नंबर का शैतान हो रहा है। तो अभी हाँ देखा, अब तो इतना टाइम लगा है, जनरली वो इतना टाइम नहीं लगाता है, तुरंत ही खोल देता है। तो देखो कितना शरारती कर रहा है, और मैं देखकर ना शॉक, मुझे बगल में कोई बोल रहा था देखो आप ऐसे मत करो, बच्चा सीख रहा है वो कैसे खोलना है। मैंने कहा ये कहाँ से सीखेगा, ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन उसने सच में दिमाग लगा लिया है कि उसने दो बार देखकर ही समझ ले, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे खोलना है। देखो अभी वो चिड़ियों को खाने में दाना डालेगा, फिर उसमें खाना खाएगा। हाँ शरारत है एक नंबर का। नौ डुम्बो ना, ओए बैड बॉय डुम्बो, देखा एक नंबर का शरारती लड़का ही। सो डुमडू को ना आप अभी ये भी कर सकते हो, ये 14 महीने बच्चे को जैसे एक छोटा सा टब ले लिया, उसमें मिट्टी डाल दिया, फिर उस मिट्टी में ना मिट्टी को खोदना, मिट्टी के साथ खेलना या सैंड के साथ खेलना, या फिर आप कोई बीच लेकर जा सकते हो तो उस बीच में भी खेल सकता है, इस तरह के काम भी आप कर सकते हो, जैसे उनका हाथों का स्ट्रेंथ बढ़े, जैसे मिट्टी निकालना फिर मिट्टी डालना। एक छोटा सा टब एक बेटर प्रेफरेंस होता है, क्योंकि मिट्टी वो टब में ही रहता है, पूरा घर गंदा नहीं होता है, फिर बच्चों का भी इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो डुमडू ने बीच में एक बार लियो के साथ खेल रहा था, डॉगी के साथ खेल रहा था, उसको छेड़ रहा था, फिर छींक आ गया था, फिर उसके वजह से ना डुमडू को ना थोड़ा 10-15 दिन ना तबीयत खराब हो गया था। तो वो चीज़ पर ध्यान रखना है कि डॉगी के साथ वो खेले, लेकिन डॉगी को जब जुकाम हो ना तब जाकर थोड़ा सा डॉगी के साथ दूर रखो, क्योंकि वो बुखार तो इमिडिएटली आ गया था, वो एक दिन में ठीक हो गया, लेकिन जुकाम ऑलमोस्ट 10-15 दिन चला। फिर जनरल हॉस्पिटल चेकअप किए, तो हॉस्पिटल चेकअप में डुमडू का वेट हमने देखा, तो वेट अच्छा आया, जैसे कि 13-14 किलो होना चाहिए, तो 12-13 किलो है, ठीक है। खाना भी वो अपने आप ही हाथों से खा लेता है, खेलता भी है, सीढ़ियाँ नीचे चढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है, अभी वो दिमाग लगा रहा है कैसे बाहर जाऊँ, फूलों के साथ पौधों के साथ खेलता है, तो ओवरऑल सब कुछ कर रहा है जो जो इस उम्र में करना चाहिए। तो लैंग्वेज भी पहले से थोड़ा डेवलप हो गया है, वो कोशिश करता रहता है कि और भी बातें करूँ, कुछ और भी डिस्कस करूँ, तो ऐसे ही बैठकर बहुत सारे बातें बोलता रहता है जो हमें नहीं समझ में आता है, कोशिश करता रहता है।
फिर ये आ जाओ बोलकर ना तेलुगु लैंग्वेज में बोलता है, तो वो एक ज्यादा सीखा हुआ है, बीच बीच में बहुत ही शरारत करता है। डुमडू, ये डुमडू का फेवरेट छड़ी है, इसको पकड़ कर वो इधर चला जाता है उधर चला जाता है। डुमडू मेरा फेवरेट स्टिक कहाँ पर है? मेरा बर्ड क्यों नहीं चल रहा?
वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ऑटो, बस, कैरेट, एग प्लांट, बाइक, एरोप्लेन, बीटरूट, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, साइकिल, कुकुम्बर, वेजिटेबल।